मुझे याद है धीरूभाई अंबानी इस समय नहीं है, वो बहुत मेरे ऊपर प्रेम भी करते थे, तो मैंने एक बार उनको कहा कि हम बॉन्ड्स लेकर मार्केट में जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेम से कहा, नितिन सरकार को और तुमको कौन पैसा देगा? बोले बहुत कठिन रही है। बोला धीरूभाई कठिन तो है पर मैं कोशिश करता हूं। एक कवि ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो मैं कोशिश करके देखता हूं। तो सिन्हा साहब और मैं, उस समय नया नया लैपटॉप आया था, वो सब लेकर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर, उसका कैश फ्लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो लेके घूमते थे और बैंकों में जाते थे, लोगों में जाते थे, और हमने पहला बॉन्ड इश्यू निकाला। उस समय मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, तो 500 करोड़ के लिए निकाला था, और 500 करोड़ के लिए जब हम क्लोज हुआ तो हमें 1180 करोड़ रुपए मिले ओवर सब्सक्राइब। दूसरी बार 600 करोड़ थे तो करीब 1200 करोड़ मिले ओवर सब्सक्राइब हुआ। और यही याद मुझे आई कि परसों मैं रोड सेक्टर में काम करता हूं, लाखों करोड़ की बातें करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं बैंकों वालों के पास नहीं जाऊंगा, बैंक वाले हमारे पास आएंगे। सर आप क्षमा करिए, गलत नहीं बात। दोनों बैंकों के चेयरमैन मुझे फोन करके कहते थे मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरा बोल रहा था मेरे ले लो, अब पैसे का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा कि अब वो पैसे जो है बड़े लोगों के पैसों से रोड नहीं बनाना। हमने इनविट मॉडल लाया, जैसे BOT, PPP, हाइब्रिड एन्युटी, अलग अलग प्रकार के मॉडल है, तो इनमें एक इनविट मॉडल लाया। और मैंने कहा इस हिंदुस्तान के रोड अगर बनेंगे तो गरीब लोगों के पैसे से बनेंगे, चपरासी, कांस्टेबल, पत्रकार, नौकरी करने वाले, पेंशनर, रिटायर्ड लोग। और हमने इनविट में, इस बार पहला इनविट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ, और 10 दिन के बाद मैंने तारीख दी थी, 10 दिन का पीरियड था। मैं अपने फैमिली के साथ गोवा में गया, बड़े मुश्किल से समय निकालकर हम सब लोग वहां गए थे। तो पहले दिन जैसे लॉन्च हुआ, 7 घंटे में वो 7 times ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मुझे चेयरमैन का फोन आया कि सर जल्दी आओ, वो 10 दिन को छोड़ दो, नहीं तो पैसा जमा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा वापस करने में, हम इतना नहीं ले सकते, ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो मैंने बोला क्या करूं, बोले यहाँ कार्यक्रम स्टॉक एक्सचेंज का 10 दिन के बजाय 2 दिन में करेंगे, आप घंटी बजाओ, इसको खत्म करो। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये काम आप भी जो वेल्थ क्रिएटर है फैमिली बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में, हर समय एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। ये जो लॉयर है यूज एंड थ्रो, ये कभी मत करिए, और ह्यूमन रिलेशनशिप होगी तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, और टीम अच्छी बनेगी तो आपको यह ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बहुत आग्रही हूं, तो हमारे यहाँ एक अधिकारी है, मेंबर है, वो बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट है, इंटीग्रिटी से स्ट्रांग है, पर हर काम उसके पास जाता है तो निगेटिव होके पूरा खत्म ही कर देता है, यानी उसके पास उसका पूरा ज्ञान, वो कोई काम कैसे ना हो इसके लिए ज्ञान लगा देता है। आदमी अच्छा है, होशियार है, मैंने कहा ये इसकी क्वालिटी का उपयोग सही होना चाहिए, इसको क्वालिटी कंट्रोल का इंचार्ज बना दो। हर कॉन्ट्रैक्टर को नींद नहीं आएगी, मैनेज नहीं होगा, पैसा नहीं खाएगा और सबको तकलीफ देगा, ये तकलीफ देने के ही लायक है, इनके छाती पे कूदे बिना काम नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, हर व्यक्ति को काम और हर काम के लिए उचित व्यक्ति। अभी मैं पॉलिटिक्स में हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट में चुन के आता हूँ, ये अच्छी बात है कि जो विद्वान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनका समर्थन बहुत आवश्यक होता है, पर इनका जिसको समर्थन होता है वो चुनाव नहीं जीतता।
चुनाव जीतता कौन है? जिसको रिक्शे वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, झोपड़पट्टी के मवाली, जो एक साथ होकर जब साथ देते हैं तो चुनाव की मार्जिन बढ़ती है। मैं 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हूं, पर मेरे को रेड लाइट एरिया में 90% वोट मिले, क्योंकि वहां भी मैंने काम किया, अलग अर्थ मत निकालना। वहां रोड बनाए, वहां लाइट लगाए, उनके पुनर्वसन की योजनाएं चलाई, सिलाई मशीन दिलाई। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, उसने कहा था वोट फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। पर यह सही बात नहीं है, हमें सबका वोट भी चाहिए। तो इसके लिए वी नीड टू डेवलप अवर पर्सनैलिटी वेयर वी हैव गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं जब टूर करता था, मैं यंग था, तो एक बार मैं हेलीकॉप्टर से निकला, मुंबई से निकला, और मैं 4 दिन उनके साथ था। उनका असिस्टेंट के रूप से मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र में, तो हम अलग अलग जगह सभा होती थी। तो अटल जी ने मुझे एक बार बोलते हुए कहा, देखो नितिन, एक याद रखो जीवन में, तुम्हारे घर में कितने भी लोग आए तो भी एक एक मिनट क्यों ना हो, उनको मिले बिना कभी निकल नहीं जाना। थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है, अभी मैं झेड प्लस में हूँ, मेरे पास 50-60 तो पुलिस वाले ही रहते हैं, वो कोई आने नहीं देता, नज़दीक आए तो लोगों को धक्के मार देते हैं, दूसरा ऐसा मत करो। उनका भी काम है, क्योंकि कभी 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 काफ़ी आजकल धोखे भी होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रेम करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर याद रखता हूँ कि जब तुम गाड़ी में घूमते हो तो रोड के बाजू में स्कूटर वाले, साइकिल वाले, रोड के फुटपाथ के लोग हंसते हुए अगर तुमको सलाम करते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैं, मेरे बाजू में एक मित्र बैठा था, उसको कह रहा था कि जो लोग रुक रुक के, एक ने मेरा फोटो निकाला, एक ने हाथ दिखाया, मैंने बोला ये जब तक खुश है तब तक हम है, जब तक ये नाराज हो गए तो ये सिक्योरिटी भी गई, गाड़ी भी गई, सब कुछ गया। वो तो क्या है, मंत्री है तब तक सलामी है, मंत्री पद गया रह गया कि ये तुरंत निकल जाते सब, ये किसी के नहीं। पर जो कार्यकर्ता है, जो व्यक्ति है, जो मित्र है, जो सुख दुख में हमारे साथ काम करता है, वो लाइफ लॉन्ग हमारा मित्र होता है। तो सबसे पहली बात रखिए कि ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छा रखिए, बिजनेस में भी। बहुत लोग सोचते हैं हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। Neither rightist nor leftist, we are known opportunist. तो ये सब जो जो पद होता है, सत्ता होती है, उसके पीछे दौड़ते हैं, ये मत करिए। Shortcut cut you short. अगर आपको लॉन्ग कट भी पड़ता होगा तो भी ह्यूमन रिलेशनशिप को टिकाना, संबंधों को बनाना, और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार के कर्मचारी लोग है ऐसा समझ के बिहेवियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में एक किताब पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, स्टारबक्स का।